साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस 2023 और यूपीएससी मेंस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है इसका जीएस पेपर 1 के तहत जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, तो ज्योग्राफी से संबंधित इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्नों को देखेंगे। और ये 5 प्रश्न आपके ट्रेडिशनल प्रश्न हैं और इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि एल नीनो की परिघटना से आप क्या समझते हैं और यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। तो इस तरीके से पहले आप एक चित्र बनाना जरूर सीख लीजिएगा, कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे पहले प्रश्न पे आने उत्तर पे आने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इसका इस उत्तर को लिखने के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पूछा क्या गया है कि एल नीनो की परिघटना से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है इसमें कि यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। तो हम एल नीनो परिघटना का वर्णन करेंगे और फिर बताएंगे कि यह भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है और फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो उत्तर लिखने से पहले आप इस तरह का चित्र बना लेंगे। तो ये देखिए, आपका जो चित्र है इसमें जो बनाया गया है, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर का, दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पर बीच में है। इधर ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, जहाँ पर ये पेरू, यहाँ पर पेरू है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इधर आपका हिंद महासागर है। तो यहाँ पर ये एक वाकर परिसंचरण बना है। यहाँ पर जो है आपका निम्न दाब क्षेत्र है, यहाँ पे आपका उच्च दाब क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि एल नीनो की घटना होती क्या है। तो एल नीनो जो है एक आवाधिक परिघटना है जो प्रत्येक 2 से 7 वर्षों में दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रकट होती है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बह करके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये आपका देखिए नॉर्मल जब रहता है, नॉर्मल स्थित होती है, तो जो जल प्रवाह होता है वो आपका दक्षिण अमेरिका के तट से होता हुआ, मतलब पूर्व से चल करके पश्चिम में जो ऑस्ट्रेलिया का तट है इधर आता है। पर जब एल नीनो की घटना होती है 2 से 7 वर्षों में, तो क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ का जो गर्म पानी होता है ये जो है आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ दक्षिण अमेरिका का जो पेरू वाला तट है यहाँ पर बह कर के आता है, और यहाँ पे पेरू के तट पर जो है आपका ठंडा जल होता है उसको ये विस्थापित करता है। यही बताया गया है कि ये बह करके पश्चिम से पूर्व दिशा में बह करके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, मेनली पेरू के तट से टकराती है। सामान्य स्थिति में यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडल में होने वाले पूरब पश्चिम यहाँ पे जो ऊपर है पूरब पश्चिम एक सेकेंड हाँ पूरब पश्चिम वायु परिसंचरण को संदर्भित करती, जिसे वाकर परिसंचरण या वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। एल नीनो के दौरान यह वाकर परिसंचरण क्या होता है, कमजोर होने लगता है और यह पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू की जो ठंडी समुद्री जल धारा होती है वो अस्थायी रूप से गर्म समुद्री धाराओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यहाँ पर आपका यहाँ पर पेरू है, ठीक है। एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से भी गहन रूप से संबंधित है। प्रशांत महासागर में वायुदाब परिवर्तन की इस स्थिति को दक्षिणी दोलन, साउथर्न ऑक्सीलेशन के रूप में जाना जाता है। एल नीनो की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समुद्री सतह का तापमान लगभग 5 से 6 माह तक औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव क्या है। देखिए, एल नीनो के कारण संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है, इससे उस क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब अत्यंत कम हो जाता है। जहाँ पर गर्म ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र हो जाएगा, तो जब यह निम्न दाब की पेटी हिंद महासागर के पूर्वी मध्य भाग तक विस्तृत हो जाए, चूँकि देखिए जब प्रशांत महासागर गर्म होगा तो इससे जुड़े हुए, चूँकि सारे जो महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सारे महासागरों का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है, तो इसी वजह से हिंद महासागर भी गर्म होता है। तो यही वजह है कि जब यह निम्न दाब की पेटी हिंद महासागर के पूर्वी मध्य भाग तक विस्तृत हो जाती है तो यह उस क्षेत्र में भी निम्न दाब उत्पन्न करती है, मतलब जो आपका हिंद महासागर क्षेत्र है वहाँ पे भी निम्न दाब उत्पन्न करती है। इस कारण से ग्रीष्म काल में हिंद महासागर में विषुवत रेखा के सहारे बनने वाला वायुदाब अधिक जो है
वायुदाब क्षेत्र अधिक सशक्त होता है। परिणामस्वरूप इस वर्ष आईटीसी जो होता है वो भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है और आईटीसी के सशक्त होने के कारण थार के रेगिस्तान पर बना निम्न दाब क्षेत्र जो है उस वर्ष आईटीसी को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो आपका विषुवत रेखा के सहारे जो वायुदाब क्षेत्र होता है वो ज़्यादा सशक्त हो जाता है। तो बरसात कब होगी? जब थार का जो निम्न दाब क्षेत्र वाला इलाका है जब ये ज़्यादा सशक्त होगा तो ये विषुवत रेखा पर जो दाब क्षेत्र है वायुदाब क्षेत्र उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ही मानसून जो है आपको भारत में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आईटीसी के सशक्त होने के कारण थार के रेगिस्तान पर बना निम्न दाब क्षेत्र उस वर्ष आईटीसी को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो पाता, जिस कारण भारत में मानसून फेल हो जाता है और सूखा पड़ जाता है। या इस प्रकार के एलिनो के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में सामान्यतः कम वर्षा होती, परंतु कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ कि एलिनो से उत्तर पूर्वी मानसून या इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, मेनली ठंडी के सीजन में आपका दक्षिण भारतीय राज्यों में होता है, तो एलिनो से उत्तर पूर्वी मानसून सशक्त हो जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को ग्रहण करता है और प्रायद्वीपी भारत में वर्षा का कारण बनता है। हालांकि भारतीय मानसून के पूर्वानुमान हेतु केवल एलिनो का उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय मानसून एक अत्यंत जटिल परिघटना है जिसके लिए हिंद महासागर द्विध्रुव मैडन जूलियन ऑसिलेशन जैसे अन्य कारक भी उत्तरदायी होते हैं, केवल एलिनो ही कारक उत्तरदायी नहीं है। अब एलिनो के थोड़ा से चूंकि प्रश्न में देखिए पूछा भारतीय मानसून, यदि आपका प्रश्न में ये पूछ ले कि एलिनो के दूरगामी दुष्प्रभाव क्या हैं, मतलब आप केवल भारत के ही संदर्भ में नहीं विश्व में जो अन्य परिघटनाएं होती उनकी भी संदर्भ में बात करेंगे, तो कुछ उदाहरण आप याद रखिएगा। पहला है कि विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर मछलियों का मरना होता क्या है, कि जो ऑस्ट्रेलिया के तट से गर्म जल जो है वो आपका पेरू के तट पे जाता है, तो चूंकि वहाँ ठंडा पानी होता है तो उसको विस्थापित करता है, वहाँ गर्म पानी आ जाता है और वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो विभिन्न वजहों से मरने लगती हैं। जब मरती हैं तो सड़ेंगी, सड़ने से क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है और इन गैसों के कारण समुद्र का जल विषाक्त होकर काला पड़ जाता है, इस प्रकार से सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने लगता है। दूसरा, मरुस्थल में कई जगह देखा गया कि एलिनो के आने से मरुस्थल में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ का आना, मतलब जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ बरसात होने लगती है, जहाँ बरसात होती है वहाँ सूखा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अटाकामा तथा कैलिफोर्निया मरुस्थल में बाढ़ का आना। दूसरा, तीसरा जो है विश्व के वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों का बदल जाना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए उन क्रियाविधियों की व्याख्या कीजिए जिनके माध्यम से पृथ्वी पर अक्षांश के मध्य ऊष्मा का पुनर्वितरण होता है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, क्या दृष्टिकोण रहेगा इसका, तो पहले हम क्या करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट को थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होती है पृथ्वी के ऊष्मा बजट, फिर उन क्रियाविधियों की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से पृथ्वी पर ऊष्मा का पुनर्वितरण होता है और फिर उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के ऊष्मा बजट का आशय क्या है, पृथ्वी द्वारा किए जाने वाले तापमान अथवा ऊष्मा संतुलन से है, क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही उसका ह्रास करती है, परिणामतः यह अपने तापमान को स्थिर बनाए रखती है। ऐसा तभी संभव होता है जब सौर विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा पार्थिव विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में संचारित ताप के समतुल्य हो, परिणामतः यह अपने तापमान को स्थिर बनाए रखती है और ऐसा तभी संभव होता है जब सौर विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा, मतलब जितनी ऊष्मा धरती प्राप्त करती है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा, मतलब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में संचित ताप के समतुल्य, मतलब जितना पा रही हो उतना ही वापस चला जा रहा हो, तो क्या होगा, बजट बना रहेगा। लगभग 35% विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से पूर्व ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, शेष 65% जो है विकिरण वो अवशोषित होता है जो बाद में अंतरिक्ष में पुनर्विकृत हो जाता है। इसे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया, देखिए दो चित्र बनाए गए हैं, एक तो आने का है इनकमिंग सनरेज, जो सूर्य से जो रेज आती है वो लघु तरंगी सौर्य विकिरण होती हैं। देखिए टोटल सोलर रेडिएशन हम मान लेते हैं 100% आया हमारे पास, 100% आया। अब चूंकि 35% क्या है, ये आपका
अंतरिक्ष में ही वापस लौट जाता है विकिरण के माध्यम से। केवल 65% धरती पे आता है और इसी 65% ये फिर से रिटर्न होता है। देखिए ये जो आपका यहाँ पर है 65%, इसमें से देखिए बादल से जो है आपका 27% जो है क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ क्या बात की कि 35% जो है विकिरण के द्वारा पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से पूर्व अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। तो जो 35% वापस चला जा रहा है उसको हम पहले देखें। देखिए 27% बादल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। 2% जो है ये अर्थ के द्वारा, 2% जो है ये अर्थ के द्वारा चला जाता है और 6% जो है वो स्कैटर्ड टू स्पेस, स्पेस में स्कैटर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें 6, 27 और 2, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है 35 आ जाएगा। तो ये 35% जो है ये धरती पर नहीं आता, ये आप देखेंगे धरती पर नहीं आता है, ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी 65% जो है वो धरती पर आता है, 65%। तो 65% देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक तो स्कैटर्ड रेडिएशन 17%, एब्जॉर्ब बाई अर्थ जो होता है वो 17% मान लीजिए, और यहाँ पे जो आता है 34% आता है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के द्वारा 14% जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो 17, 34, 14 को जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा आपको, 65% आ जाएगा। तो 65% आपका धरती पर आता है। अब इसी प्रकार से जब धरती से आउटगोइंग होगा, यहाँ से सौर विकिरण जाता है, तो ये दीर्घ तरंगीय सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी से जाता है, ठीक है। इसके चित्र में आप देखेंगे, इसके चित्र में कि 35, देखिए अब हमें कितने का हिसाब देना है, हमें अब 65% का हिसाब देना है, क्योंकि 35% तो ऑलरेडी वापस जा चुका है, 65% को हमें और वापस करना। तो देखिए रेडिएशन फ्रॉम अर्थ जो होता है ये 23% निकल जाता है, ये 6 और 17% के हिसाब से, ठीक है। 17% जो होता है ये रेडिएशन फ्रॉम अर्थ हो जाता है और 6% अलग हिसाब से जाता है। इसी प्रकार से टर्बुलेंस एंड कन्वेंशन के माध्यम से जो है 9% वापस जाता है, और आपका 48% ये रेडिएशन के द्वारा जाता है, और आपका देखें तो 19% जो है कंडेंसेशन के माध्यम से। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65%, यहाँ 17 और 48 जोड़ दिए, 65% आ जाएगा, तो ये वापस चला गया। तो ये चित्र याद रखिएगा, इस चित्र को आपको याद रखना है और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये चित्र बन जाएगा। ध्यातव्य है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप में अक्षांशी भिन्नता विद्यमान रहती है, मतलब अक्षांश के हिसाब से आप जाएंगे तो तापमान क्या होता है, बदलता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिशेष उष्मीय, अधिशेष मतलब जो बचा हुआ, उष्णकटिबंधीय या सरप्लस इंग्लिश में कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिशेष उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उष्मीय ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों यथा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित हो जाती है। अक्षांशों के मध्य उष्मा के इस पुनर्वितरण को मेरिडियनल हीट ट्रांसफर या अक्षांशीय उष्मा संतुलन कहा जाता है, जो निम्नलिखित के माध्यम से संचालित होता है। तो दो माध्यमों से होता है, एक आपका वायुमंडलीय प्रणाली है, दूसरा है आपका महासागरीय प्रणाली है। तो देखिए वायुमंडलीय प्रणाली में क्या होता है, धरातल से ऊपर की ओर तथा इसके विपरीत ऊपर से धरातल की ओर जाने होने वाला वायुमंडलीय परिसंचरण जो है वो अक्षांशों के मध्य उष्मीय ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए संवहनी कोष्ठों का निर्माण करता है। ये संवहनी कोष्ठ जो होते हैं निम्न और उच्च दाब वाली पेटियों का निर्माण करते हैं, ये संवहनी कोष्ठ निम्न और उच्च दाब वाली पेटियों का निर्माण करते हैं, जो सामान्यता अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हेडले कोष्ठ होता है, मध्य अक्षांशों में स्थित फेरल कोष्ठ और ध्रुवीय अक्षांशों पर स्थित ध्रुवीय कोष्ठ। तो देखिए इसके अतिरिक्त कई मौसमी एवं स्थानीय पवनें भी प्रवाहित होती हैं, जो अक्षांशों के मध्य उष्मा को स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब दूसरा जो था वो है महासागरीय प्रणाली, दो प्रणालियों में से दूसरा जो है महासागरीय प्रणाली, इसमें क्या होता है, विभिन्न महासागरीय धाराओं द्वारा भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठंडी जल धाराएं उष्ण जल क्षेत्रों में ठंडे जल को प्रवाहित करती हैं, इसी प्रकार उष्ण जल धाराएं ये ठंडे जल क्षेत्रों में उष्ण जल के प्रभाव में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए उष्ण
महासागरीय धाराओं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को उष्ण बनाए रखने में सहायक गर्म बनाए रखने में। वायुमंडलीय एवं महासागरीय प्रणाली के इस सामूहिक तंत्र को पृथ्वी के ऊष्मा इंजन के रूप में जाना जाता है, जो अक्षांशों के मध्य ऊष्मा को स्थानांतरित कर ताप संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी की सहायता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा नंबर जो प्रश्न है ये है आपका कि भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसमें लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग भारत में चीनी उद्योग के महत्व के विषय में संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, फिर चीनी उद्योग की अवस्थित का निर्धारण करने वाले कारकों को उल्लेख करेंगे, फिर निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए पहले हम लोग चीनी उद्योग के बारे में थोड़ा बात करें। तो चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। वर्ष 2018-19 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। भारत में उत्पादन के आधार पर चीनी उद्योग को सामान्यतः दो प्रमुख क्षेत्रों यथा उत्तर भारत जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा और पंजाब आते हैं तथा दक्षिण भारत जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश आते हैं में वर्गीकृत किया गया है। भारत में चीनी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला तो है ऐतिहासिक कारक, जैसे वर्ष 1903 में जब बिहार के चीनी मिल की स्थापना की गई थी तभी से आधुनिक पद्धति के अनुरूप इस उद्योग का विकास हुआ। दूसरा सरकार की प्रोत्साहन योजना, विद्युत एवं खाद्य पर सब्सिडी और प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की अनुकूल नीतियां गन्ने की कृषि को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही उपजाऊ भूमि एवं जल की उपलब्धता के कारण उष्णकटिबंधीय फसलें या फसल गन्ने की अच्छी पैदावार उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले उत्तर भारत में भी होती है, जिससे उत्तरी राज्यों में चीनी उद्योग को बढ़ावा हुआ है मिला है। देखिए आप जो उत्तर भारत वाला इलाका क्या है, ये उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, जबकि गन्ना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला फसल है। जैसे दक्षिण भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर गन्ना जो प्रॉपर रूप से पैदा होता है। अगला है कच्चे माल की प्रकृति। देखिए भारत में चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित है, जो भारी निम्न मूल्य वाला भार हाशी एवं शीघ्र विनष्ट होने वाला कच्चा माल है। चूँकि आप गन्ने को काट के रख देंगे तो बहुत जल्दी सूखने लगेगा, तो उसमें जो सुक्रोज या जो रस है वो ख़त्म होने लगेगा। जब वही ख़त्म हो जाएगा तो गन्ने को कोई मतलब ही नहीं है। तो यही बताया गया है, यही कारण है कि चीनी उद्योग गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही अवस्थित होते हैं। मतलब चीनी जो मिल होंगी जहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है उसी क्षेत्रों में होंगी, जिससे कि तुरंत ही गन्ने को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अगला पॉइंट है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योगों का स्थानांतरण। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योगों का स्थानांतरण हुआ है। भारत में चीनी उद्योग का क्रमिक रूप से उत्तर भारत से दक्षिण भारत के राज्यों नामतः महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि में स्थानांतरण हो रहा है। क्योंकि पहला दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन अधिक है, साथ ही गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरा दक्षिण भारत में पेराई की अवधि लंबी होती है, जहाँ उत्तर भारत में लगभग 4 माह होता है वहीं दक्षिण भारत में लगभग 8 महीने होती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बेहतर निर्यात सुविधाएं हैं। और दक्षिण भारत में सहकारी चीनी मिलों का बेहतर प्रबंधन किया जाता है। अब बात करते हैं भारत में चीनी उद्योग को कुछ जो चुनौतियां, उन चुनौतियों की बात करें, जैसे गन्ने का निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, पेराई की लघु अवधि आपके उत्तर भारत में, चीनी की निम्न कीमतों एवं गन्ने की उच्च लागत। चीनी की कीमतें तो कम है परंतु गन्ने की लागत उच्च है, उत्पादन की पुरानी एवं अकुशल पद्धति इत्यादि। अतः भारत में चीनी के उत्पादन की लागत को कम करने और चीनी उद्योग में अवसंरचना एवं प्रक्रियाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है आपका वो है महासागरी जल के तापमान वितरण का संक्षिप्त विवरण देते हुए इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए। तो महासागरी हमें इसमें क्या लिखना है, इसे महासागरी जल के तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। इसी प्रकार से महासागरी जल के तापमान के क्षैतिज वितरण का विवरण देंगे, फिर महासागरी जल के तापमान के वितरण हेतु उत्तरदायी कारकों को रेखांकित कर देंगे। तो देखिए होता क्या है कि महासागरी जल के तापमान वितरण को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, पहला क्षैतिज, दूसरा है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो यह प्रदर्शित करती है कि सागरीय गहराई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में किस प्रकार कमी होती है। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आप जाएंगे सागर में तो उसमें जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान में किस प्रकार से कमी होती जाती है, इसे महासागरी सतह से तल तक त्रिस्तरीय प्रणाली में वर्णित किया जा सकता है। पहला संस्तर जो है यह महासागरीय जल के सबसे ऊपरी परत को निरूपित करता है, जिसका विस्तार 500 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसका तापमान लगभग 20
डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है। दूसरा द्वितीय संस्तर, इसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है, इसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है, जो कि प्रथम संस्तर के नीचे स्थित होता है। इसका विस्तार 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक होती है। इसमें गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में तीव्र गिरावट होती है द्वितीय संस्तर में। तृतीय संस्तर में क्या होता है, यह गहन महासागरीय तल तक विस्तारित होता है और यह अत्यधिक ठंडा होता है। इसके अतिरिक्त आप आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात करें, जहाँ काफ़ी ठंडा होता है, तो ये वृत्त आर्कटिक एवं अंटार्कटिका वृत्त में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है, तथा गहन महासागरीय तल तक ठंडे जल की केवल एक ही परत विद्यमान होती है यहाँ पर। अब हमने ऊर्ध्वाधर वितरण की बात की, अब क्षैतिज वितरण की बात करें, तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इसमें क्रमिक रूप से कमी आती है। जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, इसमें क्या होगा, तापमान में महासागरों के सतही जल का तापमान कम होता जाएगा। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान के कम होने की दर सामान्यतः 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति अक्षांश, मतलब एक अक्षांश दूसरे अक्षांश जाएंगे तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर डाउन होगा। सतही जल का उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा से कुछ दूर उत्तर की ओर दर्ज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फैक्टर। अब महासागरीय तापमान के वितरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं, तो पहला है अक्षांश। सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के कारण, सतह के जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के कारण सतह के जल का तापमान जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। दूसरा, स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बृहद भाग से संपर्क होने के कारण उन्हें अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जमीन ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, परंतु आप मैप पर दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे तो वहाँ पर जमीन कम है, पानी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से जो है इस वजह से क्या होता है, आपका उत्तरी गोलार्ध जो है वो ज़्यादा गर्म होता है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। अगला है सनातन पवने। देखिए, स्थल से महासागरों की ओर प्रवाहित होने वाली पवने गर्म जल को तट से दूर प्रवाहित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नीचे से शीतल जल का उद्भवन या अपवेलिंग होता है। इसके परिणामस्वरूप तापमान में देशांतरीय परिवर्तन होता है। साथ ही अवितटीय ऑनशोर पवने गर्म जल को तट पर एकत्रित कर देती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। महासागरीय धाराएं, अगला जो है, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान में कमी करती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों के तापमान में भी कमी लाती हैं। फिर से देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान कम करती हैं या तापमान में कमी करती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं क्या करेंगी, वो गर्म महासागरीय क्षेत्रों के तापमान में कमी लाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। उपर्युक्त कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानीय रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न अक्षांशों में स्थित स्थल रुद्ध या परिवेष्टित सागरों का तापमान खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्न अक्षांशों मतलब जैसे विषुवत रेखा के पास जो आपके स्थल रुद्ध या परिवेष्टित सागर होंगे, जैसे आपका कैश्मीर सी है, ये क्या है, स्थल रुद्ध है, तो स्थल रुद्ध या परिवेष्टित सागरों का तापमान खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, तापमान मतलब वो ज़्यादा गर्म होगा। जबकि उच्च अक्षांश पर जब जाएंगे, जैसे पोल के पास जाएंगे आप, तो उच्च अक्षांशों में स्थित स्थल रुद्ध सागरों का तापमान जो है वो खुले सागरों की अपेक्षा वो कम होता है, मतलब अधिक ठंडा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय वनस्पति की अभिलाक्षणिक विशेषताओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ये क्षेत्र काफ़ी हद तक अल्प विकसित क्यों बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी कारकों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, फिर भूमध्य रेखीय वनस्पति की अभिलाक्षणिक विशेषताओं को रेखांकित करेंगे, और फिर इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले भूमध्य रेखीय वनस्पति क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों, जिसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में है, ये दक्षिण में 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में संपूर्ण वर्ष उच्च तापमान और अधिक वर्षा एक समृद्ध प्रकार की वनस्पति अर्थात भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के विकास में अत्यधिक सहायक होते हैं, ठीक है, अत्यधिक सहायक होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में
पूरे वर्ष उच्च तापमान और अधिक वर्षण एक समृद्ध प्रकार की वनस्पति अर्थात भूमध्य रेखीय वर्षावनों के विकास में अत्यधिक सहायक होते हैं। आगे बात करते हैं भूमध्य रेखीय वनस्पति की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या है। पहला है वनस्पति की विविधता यहाँ पाई जाती है। देखिए सदाबहार वृक्ष चूंकि सदा इसमें आपके महोगनी और आबनूस आते हैं। सदाबहार वृक्ष छोटे ताड़ के वृक्ष लताएं अधिपादपीय एवं परजीवी पादप भूमध्य रेखीय वनस्पति में बहुतायत में पाए जाते हैं। वृक्षों के नीचे फर्न आर्किड एवं ललांग एक विशिष्ट विविधता भी विकसित होती है। अगला है एक विशिष्ट स्तरीय व्यवस्था। देखिए एक विशिष्ट स्तरीय व्यवस्था के परिणामस्वरूप सभी पादप धूप के लिए ऊर्ध्वमुखी संघर्ष करते हैं। धूप के अभाव के कारण इन वृक्षों के नीचे धरातल पर उगने वाले छोटे छोटे पादप कम सघन होते हैं। ठीक है अगला है विभिन्न प्रजातियाँ। तो देखिए भूमध्य रेखीय वर्षावनों में वृक्षों की विशुद्ध रूप से कोई एकल प्रजाति नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक एकड़ वन में वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है एक एकड़ वन में वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वनों की कटाई देखिए अच्छत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के कई भागों में या तो काष्ठकर्म लंबरिंग अथवा स्थानांतरण कृषि के लिए वृक्षों की कटाई की जा चुकी है। अब इन्हें परित्यक्त कर दिया जाता है जो इस स्थान पर अल्प समृद्ध या द्वितीयक वनों का विकास होगा जिनकी विशेषता छोटे वृक्षों अति सघन झाड़ियाँ होती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र विरल आबादी वाले प्रदेश होते हैं। यहाँ पर विरल मतलब काफ़ी कम आबादी होती है। यहाँ पर रहने वाले आदिम समूह अधिकांशतः आर्किटेक्ट संग्राहक एवं स्थानांतरित कृषि से संबंधित हैं परंतु प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भूमध्य रेखीय क्षेत्र निम्न कारण जो है वो अल्प विकसित है। पहला भूमध्य रेखीय जलवायु स्वास्थ्य देखिए अत्यधिक उष्णता एवं उच्च आर्द्रता की परिस्थितियों में लोगों में गंभीर शारीरिक एवं मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही ऐसे क्षेत्रों के लोग मलेरिया पीत ज्वार आदि विभिन्न रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं जो उनकी उत्पादकता को बाधित करते हैं। दूसरा वन विकास एवं अनुरक्षण में देखिए चूँकि इस क्षेत्र में वन अत्यधिक सघन होते हैं इसलिए भूमि के किसी भाग को साफ करना उसका अनुरक्षण करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त सड़कों एवं रेलवे का निर्माण तथा रख रखाव करना भी कठिन हो जाता है। अगला है काष्ठकर्म या लंबरिंग में कठिनाइयाँ। तो देखिए इन वनों में वृक्षों की अनेक प्रजातियों के एक साथ विद्यमान होने के कारण इस क्षेत्र के प्रचुर मात्रा में काष्ठ संसाधनों का वाणिज्यिक दोहन कठिन होता है। मतलब आपको एक तरह के पेड़ बहुत दूर बहुत क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप बहुत कम क्षेत्र में ही पेड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए कि किसी एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइप के ही पेड़ होने चाहिए। ठीक है चूँकि ऐसा नहीं होता इसलिए ये वाणिज्यिक दोहन इसका कठिन होता है। अगला है उष्णकटिबंधीय मृदा का तीव्र ह्रास। देखिए इस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा से मृदा के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा मृदा का तीव्रता से ह्रास होने लगता है जिससे यह क्षेत्र व्यापक पैमाने पर कृषि हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। अगला है पशुपालन में कठिनाई। देखिए इस क्षेत्र में घास भूमियों का व्यापक रूप से अभाव बना हुआ तथा पालतू पशु जो होते हैं वो नगाना एक बीमारी जो कि सीसी मक्खी के कारण फैलती है आदि रोगों से निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। हालांकि उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप रबर कोको इत्यादि फसलों हेतु अनुकूल जलवायु उपलब्ध होने के कारण मलेशिया इंडोनेशिया तथा घाना आदि में व्यापक स्तर पर अनेक बागान स्थापित किए गए हैं। ठीक है तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।